हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाने वाली मसूर की दाल। ये दाल हर घर में बनती है, इसे तरह तरह से बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 200 ग्राम्स रेड लेंटिल दाल लिया है। इसे हम 3-4 बार ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे। देखिए, मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे एक पतीले में ट्रांसफर कर लेंगे और दाल में 1.5 कप पानी मिलाकर बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, दाल में उबाल आ गई है। अब आंच को स्लो करके ढककर दाल बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक दाल बॉईल हो रही है, तब तक दाल को छौंक लगाने के लिए मैंने लिया है 2 छोटे साइज के प्याज। प्याज को फाइनली चॉप करना है। ग्रीन चिली को भी चॉप करेंगे। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं। लहसुन और टमाटर को भी काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। इसे अच्छे से मैश करके पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से दाल में पानी मिला लीजिए। आपको अगर गाढ़ी दाल पसंद है तो पानी थोड़ा कम मिलाइए, और अगर पतली दाल पसंद है तो थोड़ा पानी और मिला लीजिए। अब दाल को उबलने के लिए छोड़ देंगे। दाल के ऊपर का सफ़ेद झाग हम हटा देंगे। अब एक फ्राइंग पैन को अच्छे से गरम करके उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें डालेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच। जीरा पकने पर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और गार्लिक। इसे भी 1 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज पकने के बाद हम इसमें चॉप टोमेटोज डाल देंगे। टमाटर पकने पर हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
धनिया पाउडर और जीरा पाउडर सूखे मसालों को अच्छे से मिलाकर एक मिनट तक पकाएंगे। मसाला तैयार है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ दाल डाल देंगे और दो मिनट तक बॉईल कर लेंगे। दाल तैयार है। अंत में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। You don't even try. Still I'm better with than without you.